been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Hi guys, welcome back to my channel. तो आज आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी वाइट शॉर्ट कोली साड़ी ट्रैपिंग, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हो, ये वाला जो साड़ी है थोड़ा सा यहां पे ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए मैंने यहां पे वाइट पेटीकोट ही पहले से ही उसको वेयर कर लिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पल्लू वाला पार्ट को राइट साइड पर रख देना है और इसका ऑपोजिट पार्ट को लेफ्ट साइड पर रखना है, और यहाँ पर दो हाथ नाप के आपको छोड़ देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपको सेंटर में टाइट सा नॉट यहाँ पे बना देना है। ये जो फैब्रिक है इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा हमें इतना ज़्यादा हेवी नहीं लगेगा, पर इसका ऑपोजिट पार्ट थोड़ा सा हमें यहाँ पे हेवी लगेगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे साड़ी को ड्राफ्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं नीचे से साड़ी को खींचते हुए ऊपर की तरफ ला चुकी हूँ और उसको बिल्कुल मिडिल पे टकिंग कर चुकी हूँ। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, पेटीकोट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है। पेटीकोट के साथ शॉर्ट टाइट साड़ी ड्राफ्ट करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है, पर हम उसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे तो बिल्कुल क्लीन लुक यहाँ पर दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही यहाँ पे करना है, क्योंकि ऑलरेडी पेटीकोट हमारे बॉडी पे है तो मैं उसको दोबारा यहाँ पे नहीं घुमाऊँगी, बस एक ही बार घुमा के उसको बैक साइड पे टकिंग कर दूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वन साइड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ऑपोजिट साइड को भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम करना है, पर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट करना है। आपको सबसे पहले साड़ी को सेट कर देना है और पीछे के एरिया पे उसको लेके चले जाना है। पेटीकोट के साथ ही आपको थोड़ा सा ध्यान भी उस साड़ी को ड्राफ्ट करना है। तो पीछे से साड़ी को ले जाने के बाद आपको उसको घुमाना है फ्रंट साइड पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, साड़ी को अपने हाथों से ही आपको यहाँ पे सेट करना है, मतलब उसको छोटे छोटे करके प्लेट्स डाल देना है। और यहाँ पर सेट करने के बाद इसका जो बॉर्डर है, आपको इसके बॉर्डर को ही यहाँ पर हाईलाइट कराना है, क्योंकि अपने हाथों से ही ये बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली उसको कंधे पे डाल देना है, क्योंकि कमर के एरिया पे हम उसको बाद में ही घुमाएंगे। कंधे पे पल्लू डालने के बाद यहाँ पे हमारा साड़ी का पल्लू लॉन्ग हो जाता है, तो आपको क्या करना है, उसको फिर से यहाँ पे दोबारा घुमाना है। तो दोबारा आपको बैक साइड से घुमाते हुए आपको लेके आ जाना है, और यहाँ पे जो बेल्ट हमने यहाँ पे कमर पे डाला, आपको इसके अंदर से डालते हुए उसको ऑपोजिट साइड पे निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये हो चुका है। तो ये है इस वीडियो का फाइनल लुक, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था। तो ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है वो भी बता देना। तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय। We'll be right back.